किशन लाल यादव उर्फ निरहुआ जो कि सिंगर हैं और भोजपुरी गायक हैं, यहाँ से सांसद भी हैं, इस बार मैदान में हैं। आप देखिए किस हिसाब से यहाँ पर और साथ में हैं। सबसे बड़ी बात कि आज इस रोड शो में अपना यादव की भाई की पत्नी है। अब ये मोदी योगी जी का गढ़ है, दिनेश लाल यादव का गढ़। ऐसा क्या हुआ? परिवर्तन, विकास का, विकास की लहर, परिवर्तन, जागरूकता, भाजपा की जनकल्याणकारी नीतियाँ, लोगों में उत्साह, सनातन धर्म का की जय विजय, ये सब सारे मुद्दे हैं। एक मुद्दा थोड़ी है। लेकिन दो युवाओं की जोड़ी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। अरे ये लोग इंस्पायर हो चुके हैं, तारा सितारा की जोड़ी है। ये लोग इंस्पायर हो गए हैं। ये लोग मतलब ये फ्लॉप जोड़ी है। इसके पहले भी 2019 में फ्लॉप हुई थी, फिर आज फ्लॉप है। तब इस जोड़ी में दम नहीं, ये लोग बैसाखी हैं। दोनों लोग एक कंधे पे दूसरे पे हाथ रख बस चल ले रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमें भले ही शहजादा शब्द का इस्तेमाल किया जाता हो हमारे, लेकिन यही शहजादे शह और मात का खेल खेलते हैं। शहजादा वो हैं, इसमें दो रहे तो जाके आराम करें, शहजादे लोग तो आराम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं केशव मलाना, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ के अंदर है, जहां से दिनेश लाल निरहुआ चुनावी मैदान में है और आज चुनावचार के आखिरी दिन उन्होंने यहाँ पर रोड शो निकाला है। मोदी के मुखौटा पहन करके लोग यहाँ पर उत्साह वर्धन करते हुए आप देख सकते हैं आखिरी क्षण में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आजमगढ़ में भाजपाइयों का जमावड़ा, जुलूस, ये रोड शो आप देख सकते हैं। किशन लाल यादव उर्फ निरहुआ जो कि सिंगर हैं और भोजपुरी गायक हैं, यहाँ से सांसद भी हैं, इस बार मैदान में हैं। आप देखिए किस हिसाब से यहाँ पर और साथ में हैं। सबसे बड़ी बात कि आज इस रोड शो में अपर्णा यादव जो कि धर्मेंद्र यादव की भाई की पत्नी हैं, स्वयं अपर्णा यादव दिनेश लाल निरहुआ आप देखिए दिनेश लाल निरहुआ जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिनेश लाल निरहुआ आप देखिए कि किस हिसाब से आज यहां पर आखिरी दौर में चुनाव प्रचार में जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए आप देखिए दिनेश लाल निरहुआ, क्योंकि आज ये आखिरी समय है और ये आखिरी समय है। क्या नाम है सर आपका? मैं हरीश पाठक हूँ, प्रधान। क्या लग रहा है कि इधर सपा सामने है और इधर दिनेश लाल निरहुआ? नहीं, सपा तो है ही नहीं है। सपा कहाँ है? कहाँ दिखा दे रही है आपको सपा? कई सपा पहले से ये सपा का गढ़ माना जाता रहा है। नहीं, वो कभी था, वो दौर खत्म हो गया। अब ये मोदी योगी जी का गढ़ है, दिनेश लाल यादव का गढ़। ऐसा क्या हुआ? परिवर्तन, विकास का, विकास की लहर, परिवर्तन, जागरूकता, भाजपा की जनकल्याणकारी नीतियाँ, लोगों में उत्साह, सनातन धर्म का की जय विजय, ये सब सारे मुद्दे हैं। एक मुद्दा थोड़ी है। लेकिन दो युवाओं की जोड़ी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। ना नहीं, ये लोग तो इंस्पायर हो चुके हैं, तारा सितारा की जोड़ी है। ये लोग इंस्पायर हो गए हैं। ये लोग मतलब ये फ्लॉप जोड़ी है। इसके पहले भी 2019 में फ्लॉप हुई थी, फिर आज फ्लॉप है। तब इस जोड़ी में दम नहीं, ये लोग बैसाखी हैं। दोनों लोग एक कंधे पे दूसरे पे हाथ रख बस चल ले रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमें भले ही शहजादा शब्द का इस्तेमाल किया जाता हो हमारे, लेकिन यही शहजादे शह और मात का खेल खेलते हैं। शहजादा वो हैं, इसमें दो रहे तो जाके आराम करें, शहजादे लोग तो आराम करते हैं। ये काम करने वाले शहजादे नहीं होते हैं, शहजादा शब्द ही रही सी है, उनको आराम करना चाहिए। और जनता ने उनसे आराम करने के लिए छोड़ भी दिया, वो लोग आराम कर रहे हैं। क्या सपा अपना गढ़ संभाल पाएगी? फिर मैं कह रहा हूँ ये गढ़ रही नहीं गया है। आज के डेट में ये भाजपा का गढ़ है, मोदी योगी का गढ़ है और विकास का गढ़ है। इस बार मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। किसको उखाड़? मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। कौन कह रहा? राहुल गांधी मोदी। पहले अपने आप को तो बचे हो, वो अपनी सीट तो बचा ले। अगर वो सीट बचा ले तब मोदी तो बहुत अंतर है ना। मोदी जी राहुल जी में जमीन और आसमान का अंतर है। पहले वो अपनी सीट बचा ले, फिर आके वो पहले योगी जी से लड़ लें, फिर मोदी जी से लड़ने जाएं।